जी सलाम अलैकुम डियर व्यूअर्स, मैं हूँ मुख्तियार अब्बासी। आप देख रहे हैं मुख्तियार अब्बासी एम ए टी वी। आज मैं एक हिसास मसले पर, सिंध के आम बड़े मसले पर, जो सिंध से जिंदगी और मौत का जिस मसला है, मैं उन पर बात करता हूँ। उम्मीद है कि आप बात ये गौर से सुनेंगे और मैं जो है वो एदाद शुमार के साथ बात कर रहा हूँ। ये जिसमें हमारा जो है ये सदियों की तहजीब उससे वाबस्ता है, ये वो शेर दरिया है जो सदियों से हिंद और सिंध की शनाख्त रहा है। हरापा, आरोड़, मोहनजोदड़ो की अजीम तहजीबों का अमीन दरिया था। हज़ारों सालों से बहता दरिया, मगर 70 सालों से इस दरिया का ये हशर है बाकी। डाका तो छोड़ो, ये सिंध के दरिया पे डाका डाला गया है, इसकी मिसाल तो कहीं नहीं मिलती। ये स्टेटस है डॉक्टर अरफाना मलाक साहबा का। तो हम आगे चल के बात करते हैं कि इस वक्त सिंध जो है वो पानी के मसले पर शदीद उसमें बोरान है। सखर गुड्डू बैराज से जो बड़े केनाल हैं, रोड़ी केनाल, राइस केनाल, दादू केनाल, वो जो है वो बंद है। अगर थोड़ा उसमें से पानी आता है तो जो आगे उस पर ताकतवर लोग हैं वो पानी ले जाते हैं। तो बदीन में टंडो मोहम्मद खान, ठट्टा और सांगड़ और जो उसके नीचे वाले इलाके हैं वो अभी बहुत बड़े कहत के शिकार हैं। वहाँ आदमी जो हैं वो उसको पीने के लिए भी पानी नहीं मिल रहा। तो मैं ये सिंध की सूरत हाल आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि सिंध जो है वो टोटल 1,40,000 स्क्वायर किलोमीटर पर मुबनी है, जिसमें 40,000 किलोमीटर जो है वो काछे का इलाका है। काछे का इलाका मतलब जाबलू इलाका है जो सिंध के जो है वो मगरब की तरफ है। और 40,000 एकड़ जो है वो रेगिस्तान का इलाका है, थर का इलाका है, जिसमें थरपारकर, अशड़ो थर से लेकर ये जो इंडिया की सरहद से नज़दीक है, जिसकी वो अपने मशरक में है, वो 40,000 एरिया पर मुबनी है। तो 80,000 एकड़ तो सिंध में से ये चले गए, बाकी रहे 60,000 एकड़ में जो है वो 60,000 किलोमीटर में जो है 20,000 किलोमीटर पर शहरी आबादी और गाँव की आबादी मुबनी है, बाकी रहे 40,000 स्क्वायर किलोमीटर जो सिंध की ज़रे ज़मीन है। अब 40,000 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर पर जो 20,000 किलोमीटर जो है वो पानी न होने की वजह से 70 साल से जो है वो मुसलसल गेराबाद होती आ रही है। बाकी रहे 20,000 स्क्वायर किलोमीटर, तो अभी 20,000 स्क्वायर किलोमीटर जो आबाद ज़मीन है वो भी अभी आबाद नहीं हो रही है। तो सिंध की जो GDP है वो 70% जो है वो एग्रीकल्चर पर मुबनी है। अभी राइस का जो एरिया है, खास करके शहदाद कोट, जैकवाबाद, शिकारपुर, लाड़काना और दादू, वो अभी तक जो है वो उसकी वो गेराबाद है, अभी तक फसल नहीं हुए हैं। और काटन की जो एरियाज हैं, खास करके सांगर और खैरपुर डिस्ट्रिक्ट बदीन, उसमें भी अभी तक जो है वो काटन का फसल नहीं हुआ है। तो बहुत बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल सिद्ध उसको जो है वो मुंह दे रही है। तो अभी हम बात करते हैं कि कुदरत की तरफ से भी हमें जो है एक हमारा डिसएडवांटेज है, वो ये है कि सिंध की जो ज़ेर ज़मीन जो जिसको हम सिंधी में जड़ कहते हैं, वो 90% जो है वो खारा है, मतलब नमकीन है, वो पीने के लिए और फसल की आबादी के लायक नहीं है। और उसकी जगह पंजाब की
जो ज़मीन है वो 90% जो है वो मीठी है, उसका जर मीठा है, वो पीने के लायक भी है और फसल के लायक भी है। तो ये एडवांटेज है पंजाब को। अगर पंजाब में बहुत बड़े ट्यूबवेल्स होते हैं तो वो अगर एरिकेशन का पानी नहीं होता है तो वो ट्यूबवेल के ज़रिए से भी ये अपना फसल कास्ट करते हैं। लेकिन हम सिंध वाले जो हैं वो ऐसे भी नहीं कर सकते, तो हम ये बहुत बड़ी खतरनाक सूरत हाल से हम दो चार हैं। अभी हमें समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या करें। बहुत सारे जो लोग हैं वो जलसे जुलूस भी कर रहे हैं, ये आप दरिया देख रहे हैं इसकी क्या सूरत हाल है। अभी कोटली बैराज पर जो है वो 10,000-20,000 क्यूसिक पानी भी नहीं है। तो अगर ये सूरत हाल रही तो हम पीने के लिए भी तरस जाएंगे। कराची वाह भी जो है ये कोटली बैराज से निकलता है तो अभी कराची को भी पानी नहीं मिलेगा। इसीलिए हम जो इरसा को कहते हैं कि ये जो दादागिरी है आपकी ये बंद करें और जो पंजाब है वो हमारे हिस्से का भी पानी ले जाता है। अभी दो केनाल वहाँ पर हैं जो फ्लड एरियाज केनाल हैं, वो भी अभी जो है वो पंजाब में सिंध के हिस्से का पानी लेता जा रहा है। और दूसरी सूरताल जो है वो ये है कि जो हमारे ताकतवर ज़मींदार हैं जो अपर से हैं वो भी गरीबों का पानी जो है अपनी ताकत के ज़ोर पर ले जा रहे हैं। तो अभी बहुत बड़ी ये कहत का सूरत हाल है सिंध में, हम उसको मुंह देख रहे हैं। उम्मीद है कि ये इस वीडियो को आप जो हैं ये हर जगह पर फैलाएंगे, दूसरों तक ये शेयर करेंगे ताकि हम ये इस पर मजबूत आवाज़ बन सकें। तो हमें जो आज ट्विटर पे ट्रेंड चल रहा है सिंध नीड्स वाटर, शॉर्टेज इन वाटर इन सिंध, तो हमें ये दोस्तों के साथ हम भी ये शेयर कर रहे हैं सिंध नीड्स वाटर। मेहरबानी आपकी, थैंक यू, खुदा हाफिज़।